महारानी पिंगला रोते हुए चोट दे करके मस्तक को चूर चूर कर दिए। संत के आज्ञा अनुसार वो चूरा उठाकर आंचल में ले जाकर और जो ही बर्तन में डालकर एक बार आंच लगाती है मांस सिद्ध हो जाता है। दौड़कर माता पिंगला आती है, बाबा मांस सिद्ध, हाँ जल्दी करो, बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो आसन बिछाओ। माता पिंगला आसन बिछाती है, ओघर बाबा जाकर आसन पर बैठते हैं, सिंह को भी बगल में बांध कर खूंटे में बैठाते हैं, दोनों के सामने में पत्तल परोस दिया जाता है, उस पर भोजन सामग्री परोस कर, और दोनों प्राणी जब आग्रह करते कि अपनी आपकी इच्छा अनुसार का भोजन तैयार है बाबा, अब भोग लगेंगे। ओघर बाबा कहा कि ठीक है, हम भोजन करेंगे, आप अपने पुत्र को बुलाइए। पुत्र को कहां से बुलाओगे, पुत्र के सर पर तो आपने आरा चलवा दिया, उसी पुत्र के मांस अग्नि पर सिद्ध करके आपके सामने परोस दिया है, अब पुत्र कहां से आएगा। संत उठकर खड़े हो गए पत्तल छोड़कर, केकी सिंह चलो चलो, अरे ये अपने ही पुत्र के सर पर आरा चला करके उसे मार डाला है, और कहा गया है क्या, तो हत्यारा जगत में जो कोई है वो जग पापी कहलाता है, और उनके घर में जो भोजन करे वो भी पापी बन जाता। हत्यारा जो कोई है उसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए, और हे राजा रानी तुम तो अपने ही पुत्र को हत्या किए हो, और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हत्यारे जगत में जो कोई है वो जग पापी कहलाता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। हत्यारा जग में जो कोई है वो जग पापी कहलाता है, उनके घर जो भोजन करे वो भी पापी बन जाता है, हमें पापी नहीं बनना। चलो यहां से सिंह के डोरी पकड़ के चलो। अब तो दोनों प्राणी न घर के न घाट, बेटा भी चला गया, संत भी भूखे जा रहे हैं, कुछ जब समझ में नहीं आया तो घर को देख देख कर रोने लगी कि बेटा यदि तुम होते तो अभी संत को हम लौटा लेते। बेटे कहां हो, बेटे तुम तो जानते हो कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबके हृदय में हमने भगवान के दर्शन देकर सबको सेवा किया है, और उसका बड़ा इतना बड़ा फल हमें मिला है, बेटा अब किससे कहूं जाकर। महारानी पिंगला और महाराज मुर्धज रो रहे हैं, घर को देख देखकर संत और सिंह दोनों जा रहे हैं,
भागे जा रहे हैं। दोनों प्राणी कहते हैं, दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने बस कम का समान है।
रोने लगे दोनों प्राणी। संत बहुत दूर निकल गए, अगना सुनसान है भवन सुना सुना है, और अपने भवन को देखकर दोनों प्राणी फूट फूट कर रोते हैं। इतना ही देर में राजभवन के अंदर से एक कोयल सी आवाज आई चहकती हुई। आवाज बड़ा प्यारा है, आवाज सुनाई पड़ा दोनों प्राणी को। कहते हैं, हे पितृदेव, राजा चौंक गया, कहां से ही आवाज आ रहा है? ये तो मेरा बेटा रो रहा है। राजकुमार तो अमर ध्वज का आवाज है। हे पितृदेव, उनको पकड़ो। इशारा है कि उस संत को पकड़िए, ओघर बाबा को पकड़िए, वो भागने ना पावे। हे पिता महाराज, हे पितृदेव, उनको पकड़ो। अब राजा भी चारों तरफ देखते हैं, रानी भी देखती है कि ये तो मेरा राजकुमार तमोध्वज का आवाज है, मेरा बेटा का आवाज है। आवाज सुनाई पड़ रहा है लेकिन बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो आवाज बार बार कहते हैं, हे मात पिता, उनको पकड़ो। वो लक्ष्मीपति नारायण है, वो संत नहीं, वो लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु है, नारायण है। और जो सिंह भैंस में जाता है, यमराज वही कहलाता है। हे पितृदेव, उनको पकड़ो, वही लक्ष्मीपति नारायण है। और जो सिंह भेष में जाता है, यमराज वही कहलाता है। पकड़िए उसको। बेटे की आवाज मानकर दोनों प्राणी दौड़ गए। बहुत दूर जाकर के संत के चरण में राजा लिपट गया और सिंह के चरण में रानी लिपट गई। संत चरण छुड़ाते हैं, छोड़ो हमारे चरण को। राजा कहे कि बाबा, अब ये चरण कभी नहीं छूटेगा, मुझे अपने शरण में ले लो ना। नेति कुमारी, इनके सृजन से किस सिरते की भेंट है। भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। जो ही कहे कि अपने चरण में ले लो भगवान, चौंक गए यमराज, चौंक गए यमराज। देखा ओघर बाबा को, ओघर बाबा इशारा किया, देख भवन के अंदर, कहा देख
उधर से कौन आ रहा है। जो ही सिंह उधर देखा तो उधर उधर से राजकुमार तामरध्वज फूल की तरह खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यमराज जब देखा ना होश उड़ गया यमराज का, सारा अभिमान चूर चूर हो गया यमराज का। यमराज सोच रहा था कि एक बार इस शरीर यदि नष्ट हो जाए तो दोबारा मुश्किल है, लेकिन सामने में हमारे सामने में इनके माँ बाप आरा चला कर काट दिए थे, बोटी बोटी अलग कर दिए थे। वो बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है और घर बाबा इशारा दिया यमराज, जिस समय बच्चा हमसे प्रश्न किया कि बाबा आप मदारी हो तो तुमसे पूछा था ना कि क्या बोलूं, तो तुम कहा था ना कि जो इच्छा है बोलिए, लेकिन हमें थोड़ा सा भी यदि लगेगा कि आप पक्षपात करते हैं मैं भाग जाऊंगा। और इसीलिए यमराज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि देख मैं कितना बड़ा मदारी हूं, किस तरह से तेरे आंखों के सामने में अपने भक्तों से जांच किया। तुम्हें लग रहा था कि राजकुमार के सर पर आरा चला और राजकुमार के प्राणांत हो गया, लेकिन नहीं। अरे जब साधारण ही गांव घर में मदारी आता है खेल दिखाने के लिए तो देखते हो टोकरी के नीचे जमुरा को बैठा देता है, वस्त्र से ढक देता है, लोगों को कहता है कि बाबू भैया देखिए मैं अपने जमुरा के कलेजा में चाकू घोंप रहा हूँ, उसके हृदय यानी कलेजा निकाल कर आप लोगों को दिखाऊंगा। और वो क्या करता है, वस्त्र के नीचे चाकू से वार करता है और थाली में कलेजा निकाल कर सभी दर्शकों को दिखाते हैं। दर्शक कई दर्शक लोग भाग जाते हैं, बाप रे बाप जमुरा को मार दिया, हृदय काट कर निकाल लिया। जब साधारण आदमी ये कमाल दिखा सकता है तो क्या हमारे लिए असंभव है। ठीक उसी मदारी की तरह हम भी खेल किए थे, लेकिन तुम्हें यमराज कहीं से लगा कि मैं पक्षपात किया। यमराज हाथ जोड़ दिया, सिंह बने यमराज, कहा कि मालिक जल्दी यहां से चल चल, धन है मर्द जो आपके कहने पर अपने पुत्र के सर पर आरा चला दिया। देखने वाले को तो सब हकीकत लग रहा था, आपके लिए ये मदारी का खेल जैसा है, लेकिन हमें देखने वालों को देखकर दया आ रहा है। जल्दी चलिए, अब कहाँ जाओगे, अब इस शेर के भेष हटाओ और हमारे भक्तों को आशीर्वाद दो। यमराज तत्क्षण अपना सिंह के स्वरूप को बदलकर अपने स्वरूप में आया, खड़ा हो गया भगवान के बगल में। तब तक में राजकुमार आया, मुस्कुराते हुए भगवान के चरण में झुककर दंडवत प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ अपना कोमल हाथ उनके सर पर रखा, दीर्घ आयु के आशीर्वाद दिए और फिर दोनों प्राणी को भगवान कहते हैं कि आप दोनों प्राणी धन्य हैं, अतिथि सेवा में धर्म के रक्षा के लिए अपने पुत्र को न्योछावर कर दिए हैं, आपका ये कीर्तिमान सर्वदा बना रहेगा, आपसे हम प्रसन्न हैं, मांगिए वरदान। तो महाराज मर्दवज और महारानी पिंगला हाथ जोड़ करके कही कि भगवान जिस आदमी को भगवान के दर्शन के बाद भगवान के प्राप्ति के बाद भी यदि दुनिया के दूसरे वस्तु में मोह ममता उत्पन्न हो जाए तो उसका जीवन बेकार है। हमें किसी वस्तु में थोड़ा सा भी मोह ममता नहीं है मालिक, आपके दर्शन हमें प्राप्त हो गया, हमारे पुत्र के बलिदान के स्वरूप आपके दर्शन हमें सौभाग्य हो सका, तो आपके दर्शन मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए।